अगले कॉलर रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। अच्छा मेरा दो क्वेश्चन है सर। जी सर। हमारी माता जी को उसकी 86 साल की है, उनको पेसमेकर लगा हुआ है, क्या वो इंजेक्शन को लगाए कि ना लगवाए? डॉक्टर राजू और बिल्कुल लगवा सकती हैं आप। कोई भी, जैसे कि हम सभी लोग कई दिनों से बात कहते जा रहे हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, पेसमेकर लगा है, हार्ट का फंक्शन भी खराब है, किडनी प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर भी है एसोसिएटेड, किसी को पैरालिसिस भी है, किसी को हैमरेज भी हुआ है, ये सारे उस कैटेगरी के मरीज हैं जिसको कि हम हाई रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं। इन लोगों को उम्र का भी कोई वो परहेज नहीं है कि हम 80 साल या 70 साल से बड़े लोगों को नहीं लगवाना है, सभी लोगों को जाके अपना वैक्सीनेशन कोविड के अगेंस्ट में लेना है। जी आप फोन लाइन पर हैं सर अभी? जी उनका फोन कट गया है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, विनय गाजियाबाद से। विनय जी सवाल पूछिए अपना। सर ऐसा है कि मैंने पहला डोज का वैक्सीन ले लिया है। जी और मैंने वैक्सीन 9 तारीख को लिया था, 9 अप्रैल को। जी और 23-24 तारीख को मुझे ऐसे जुकाम सा हुआ। जी और हल्का सा बुखार हुआ। जी और उसके बाद थोड़ा सा 2-3 दिन बाद थोड़ा वो चला गया, सुगंध नहीं आ रही थी। जी जी मैम, अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद बुखार हो जाए या कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो फिर का वैक्सीन लगवाएं, क्या प्रोसेस है? जी प्रशांत साहब, जो गाजियाबाद से बोल रहे हैं आपके, ये हुआ है कि आपको जैसे स्मेल नहीं आई, जैसे इन्होंने बताया शुभांकर साहब ने, हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाए, आपका बुखार जुकाम ये शक्ति सब ठीक हो गए, उसके 2 हफ्ते बाद आप लगा सकते हैं। जी इसमें हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि वैक्सीन के बाद बुखार आता है, उसके अगर वो बुखार लंबा हो जाता है तो आप कोविड का टेस्ट जरूर करवाएं, ये भी एक सलाह तमाम डॉक्टर्स देते रहते हैं। यशवंत जी हमारे साथ हैं अलवर राजस्थान से। यशवंत जी सवाल पूछिए अपना। सर ये वैक्सीन का मैंने अभी देखा न्यूज पे कि वो 42 से 56 दिन के बीच में सेकेंड डोज लगाना कंपलसरी है कोविशील्ड। तो क्या अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो और वो टाइम लेट हो तो फिर उसके लिए क्या करें? डॉक्टर राजू जी ऐसा है कि जैसे इंडिकेशन जो है सेकेंड डोज लगाने के, वो हम लोग बोलते हैं 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते, लेकिन अगर बाय द वे आपका ये पीरियड बदल भी जाता है तो भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि आप उस समय में भी अगर जाके, या आपका ये पीरियड निकल भी जाता है उसके बाद भी अगर जाके सेकेंड डोज और वैक्सीनेशन कराते हैं तो आप सेफ रहेंगे और उस समय में आप जो है अपनी पूरी इम्यूनिटी ले पाएंगे या आपकी पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 4 से 6-8 हफ्ते तक आप आराम से जाके सेकेंड डोज और वैक्सीनेशन करा लें। जी अगले कॉलर हमारे साथ कुणाल जुड़े हैं बिहार से। कुणाल जी सवाल पूछिए अपना। सर मैं हवा में कोरोना फैल रहा है तो क्या हम सोने के वक्त ही मास्क लगा के रहें? आपका मैम क्या घर में भी मास्क लगा कर रहे हैं? घर में भी क्या मास्क लगा कर रहे हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी हालांकि है। देखिए अगर आप घर में अपने कमरे में अलग हैं तो आप बेशक मास्क नहीं लगाएं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हमें कोरोना किससे होता है, जरूरी एक आदमी जो घर के बाहर गया और वो घर के अंदर आया, वो उसको जब तक छिन्न स्टार्ट हो, उसको कोई तकलीफ स्टार्ट हो, उससे 2 दिन पहले ही वो लोगों को बांट सकता है बिकॉज उसके अंदर वो वायरस एक्सक्रीट होता है। तो हमें ये नहीं मालूम आपके घर के अंदर से कोई जा रहा है, तो इसीलिए अपने परिवार वालों से भी आप डरें, जो भी परिवार वाले हैं जिनका आउटसाइड से संपर्क हो रहा है, क्योंकि वो भी वायरस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपके परिवार के अंदर पिछले 2 हफ्ते से कुछ भी काम के लिए बाहर नहीं निकले तो अलग बात है, वरना हम यही सबको बोलते हैं, जैसे मैं अपने घर में रोज मास्क N95 लगा के रहती हूँ घर पर, जब तक अपने बिस्तर पर अपने कमरे पे सोना, मेरे सर्वेंट्स रहे या बच्चे रहे या पति, उनके सामने मैं बिना और वो भी बिना मास्क के नहीं रहते, क्योंकि हमें काम करने जाना पड़ता है, किसी को एक्सपोज हो जाए तो वो जरूर अपने घर वालों पे, और ये जो सेकेंड वेव है इसकी वायरस इतनी बदतमीज वायरस है कि वो एक को हो जाए तो वो किसी और को छोड़ती नहीं है घर में। जो आप फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।